तो अकीरा अब तक की बेस्ट मूवी मानी जाती एनिमे के मामले में, और यह 1988 की मूवी है। इसका जो जॉनर है मैं बता देता हूँ, साइंस फाई, थ्रिलर, हॉरर और एक्शन को लेके जो इस मूवी में मुझे देखने को मिल गया। तो मैं मूवी की शुरुआत करता हूँ, इसके रिव्यू से मैं शुरू करता हूँ। तो जो इसकी पहली बार जो मूवी की जो स्टोरी वो फ्यूचर बेस है 2019 पे। हाँ मुझे पता है कि 2021 चल रहा है अभी, बट जो 1988 में बना उस हिसाब से उसके आने वाले फ्यूचर बेस पे मूवी बनी है। तो इसके अंदर जो मूवी की जो पूरी स्टोरी हमारे जो मेन कैरेक्टर कनाडा के आसपास है और उसके फ्रेंड टेस्को को लेके हैं। तो मैं पहले बता देता हूँ, कनाडा जो एक बाइक गैंग इनकी होती है जो हमेशा एंटी सोशल वाली हरकत करते हैं। अगर मैं बात करूँ इस 2019 वाले जो इस मूवी में जो जापान है इसके टोक्यो में हड़तालें हो रही है, लड़ाइयाँ हो रही है, दंगे फसाद हो रहे और अलग अलग चीज़ें हो रही है। अमीर वर्सेस गरीब वाली बात इधर आ चुकी है। तो मैं इधर बात कर रहा था कनाडा की। इसका जो गैंग है ये हमेशा पता नहीं बाइक वाले अलग गैंग रहते जो लड़ते रहते, तो ये उसी में से एक ही वो गैंग है। और इसकी बाइक क्या बाइक है, तो इसके अंदर एक और मेंबर होता है जिसका नाम होता है तेसुओ, जो इसका ही फ्रेंड है। एंड मैं बता दूं कि ये चीज़ शायद बहुत कम जन को पता रहती है कि जो गवर्नमेंट है वो तेसुओ के ऊपर नज़र रख रही है। अगर मैं शॉर्ट में तेसुओ नहीं, तेसुओ के जैसे और भी बच्चे, क्योंकि ये जो जितने बच्चे ये सब अकीरा के नाम से जुड़े हुए हैं। एंड मैं अकीरा के बारे में नहीं बताऊँ कि अकीरा इस मूवी में वैसे है क्या। तो गवर्नमेंट की इस सीक्रेट प्रोजेक्ट के ऊपर एक दो गैंग भी होती है जो इसके ऊपर जो ध्यान दे रही है, बिकॉज ये बहुत ही खतरनाक एक्सपेरिमेंट है। एंड एक कंस्पिरेसी रहती है कि ये तबाह कर देगी सब कुछ। तो इसको अंदर अकीरा को लेकर बहुत सी चीज़ें आने वाली है सामने। अब मैं बात करूँ गवर्नमेंट की, जो गवर्नमेंट होती है वो तेसुओ पर नज़र रखती है, इसके पीछे भी एक कारण है। क्योंकि देखो तेसुओ जो है वजह में एक नाबालिग लड़का होता है इस सीरीज इस एनिमे मूवी के अंदर, जहाँ पे गवर्नमेंट चाहती है कि तेसुओ को कभी भी ना पता चले कि उस वो क्या कर सकता है। उसके पास जो सुपर पावर्स है उसकी बात इधर हो रही है। जब बात सुपर पावर्स की कर दी है, तो मैं बता दूँ जब उसको इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाता है कि उसके पास सुपर पावर है, तो इससे वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। एंड अकीरा जो है एक, पता नहीं इस सीरीज में मैं तुम्हें बताना नहीं चाहूँ, बट अकीरा क्या मैं नहीं बताऊँगा, क्योंकि इस मूवी के अंदर अकीरा को लेके बहुत सी अलग अलग चीज़ें। कोई कहता अकीरा एक नेचुरल पावर है, कोई कहता अकीरा एक पावरफुल चीज़ है, कोई कहता अकीरा एक गॉड है। तो इसमें अकीरा को लेके लोगों के अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, बट मूवी के एंड में तुम्हें पता चल जाएगा। तो इसके बाद जो तेसु होगा वो एक आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा, जिसके कारण उसको कोई भी नहीं रोक सकता। गवर्नमेंट भी अपने पूरी चीज़ें लगा देती पर वो नहीं रोक पाती। जहाँ पे कनाडा जो होता है वो इस चीज़ के लिए डिसीजन देता है कि वो अब जाके तेसुओ को रोकेगा, जहाँ पे वो इसके खिलाफ एक्शन लेता है। एंड उसके सामने जो तेसुओ बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है, एंड धीरे धीरे जो तेसुओ खुद के ऊपर कंट्रोल खो देता है। अगर मैं इस एनिमे मूवी की मैं बात करूँ, तो इसमें जो है अमेरिकन स्टाइल बहुत ही ज़्यादा देखने को तुम्हें मिलेगा, एंड और भी बहुत सी चीज़ें जिसमें प्रिडिक्ट की गई है जो मैं हैरान कर देती। जैसे कि इसके अंदर ये पहले ही ऐसे बोल दिया गया था कि यहाँ पे 2020 के अंदर ओलंपिक होगा। हाँ अब इस साल तो नहीं होगा पर देखा जाएगा। तो ये मूवी में इतनी सी बात है, ये मूवी तुम्हें हॉरर और थ्रिल ज़्यादा देगी, और इसके अंदर जो एक्शन है और बाइक बहुत ही खतरनाक है। तो बस इतना ही था और कुछ।